देखिए ये डिजाइन, मैं बहुत सुंदर बहुत बढ़िया बना के लाई हूँ आपके लिए, आपके कोटी कार्डिगन के लिए। इस डिजाइन में आप कोटी कार्डिगन या जैकेट कुछ भी बनाइए, ये बिल्कुल कमल के फूल वाला डिजाइन है, बहुत बढ़िया लगेगा किसी भी कलर में आप बनाइए। आप ये मैंने बनाया है, ये चार पलाई का ऊन है बारीक वाला, और मैंने 8 नंबर क्रोशिया से बनाया है। ये आप बनाइए तो दोनों साइड बिल्कुल एक जैसा है, दोनों साइड कहीं से आप इस्तेमाल कर लीजिए। तो मैं ये बना के दिखाती हूँ दूसरे पे। ये चैन बनाया है मैंने इतना सा, इसके ऊपर बना रही हूँ। ये शुरू में हमने ये 4 डबल क्रोशिया बना लिया है। एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे, 5 डबल क्रोशिया। इसके बाद एक दो दो चैन बनाएंगे, और ये 1 2 3 छोड़ के चौथे वाले में हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक दो तीन, तीन चैन बना के हम इसी में वापिस एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। ऐसे फिर एक और दो, दो चैन बनाएंगे, दो चैन बना के 1 2 3 छोड़ के ये चौथे वाले में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक दो, दो चैन बना के फिर 1 2 3 ये चौथे वाले में 1 डबल क्रोशिया बनेगा। दो चैन बनाएंगे, तीन चैन बनाएंगे, और फिर वापस इसी में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे फिर एक दो, दो चैन बना के हमें ये 1 2 3 छोड़ के चौथे वाले में हम ये जो स्टारा है इस पे डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये बन गया सीधे साइड से। अब इस साइड से हम ये डबल क्रोशिया जो हमने बनाया, अब इस बार हम डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे, यहाँ से हम सिंगल क्रोशिया बना के ले जाएंगे। ऐसे इसके ऊपर ऊपर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और ये जो हमने बनाया है ये चैन दो, यहाँ भी दो सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ऐसे अब ये हमने बनाया है, ये डबल क्रोशिया बना है, ये तीन हमने चैन बनाया है, इसमें हम 5 बार बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। एक दो तीन
चार, ये पांच, पांच बार बना लिए। अब ये जो है हमने दो चैन यहाँ बनाया था, तो यहाँ दो बार डबल सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, एक दो। इसके यहाँ भी दो बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, एक दो। अब इसके अंदर पांच डबल क्रोशिया बनाए, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच। अब ये है, ये हमने बनाया यहाँ पे दो चैन बनाया है, यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया बना लेंगे दो। अब ये हमने बनाया है, ये पांच है डबल क्रोशिया, इसके ऊपर ऊपर सिंगल क्रोशिया बना कर जाएंगे। देखिए ऐसे ऐसे दूसरी साइड से भी बन गया। अब हम यहाँ एक दो तीन, तीन चैन बना के अब इधर आएंगे। अब ये सिंगल क्रोशिया बनाया, इसके ऊपर ऊपर हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। डबल क्रोशिया बना लिए, अब यहाँ पे हम एक चैन बना लेंगे यहाँ। अब देखिए यहाँ पे अब हम इसमें बनाएंगे, ये जो पांच सिंगल क्रोशिया बनाया है हमने, इसके अंदर से हम ऐसे ये धागा खींचेंगे, एक दो, दो बारी धागा खींचेंगे, फिर इसको बंद कर देंगे और यहाँ पे एक चैन बना लेंगे। फिर ये दूसरे वाले में फिर एक और दो, फिर इसको एक साथ बंद कर देंगे और एक चैन बना लेंगे। ये तीसरे वाले में बनाएंगे, दो बारी धागा खींच के एक साथ बंद करेंगे, फिर एक चैन बना लेंगे। अब ये चौथे वाले में दो बार धागा खींचा और एक साथ बंद कर देंगे, फिर एक चैन बनेगा। फिर यहाँ ये पांचवे वाले में भी एक और दो, दो धागा खींच के एक बार बंद कर देंगे। अब यहाँ से एक चैन बनाएंगे और ये जो है बीच में हमने एक डबल क्रोशिया बनाया है, यहाँ पे एक इसके ऊपर एक ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से देखिए, फिर यहाँ हम आ गए, ये एक दो तीन चार पांच, ये पांच सिंगल क्रोशिया बनाया था, इसमें से फिर हम बनाएंगे धागा खींचेंगे, एक और दो, दो बारी धागा खींचना है और बंद कर देना है, एक चैन बना लेना है। फिर ये दूसरे वाले में फिर धागा खींचेंगे, एक और दो, फिर इसको एक साथ बंद कर देंगे और एक चैन बना लेंगे। फिर ये तीसरे वाले में एक और ये दो, फिर बंद करेंगे एक साथ और एक चैन बनाएंगे। फिर ये चौथे वाले में भी धागा खींचेंगे, एक दो, बंद करेंगे एक साथ और एक चैन बनाएंगे।
और ये पांचवे आले में ऐसे ये पांच बनने हैं। यहाँ पांच बना लिए, यहाँ पांच बना लिए। अभी डबल क्रोशिया यहाँ पे बना हुआ है, जो सिंगल क्रोशिया बना के आए थे, अब यहाँ पर डबल क्रोशिया बनेगा। एक दो तीन, तीन चैन बना लेंगे। अब देखिए हम ये दूसरी लाइन हो गई। अभी इस तरफ से जितना डबल क्रोशिया है इसके ऊपर डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। देखिए यहाँ पे एक और दो, दो चैन बनाएंगे और यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। और एक दो तीन, तीन चैन बना के फिर वापस इसी में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ फिर एक दो, दो चैन बना के ये यहाँ एक जो डबल क्रोशिया है यहाँ उसके ऊपर ही एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ फिर एक दो, दो चैन बनाएंगे और यहाँ पे ये एक दो छोड़ के ये तीसरे वाले पे डबल क्रोशिया बनेगा। एक दो तीन, तीन चैन बनेंगे और फिर वापस इसमें एक डबल क्रोशिया। यहाँ एक दो, दो चैन बनाएंगे फिर और यहाँ डबल क्रोशिया के ऊपर ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक दो तीन चार पांच, पांच डबल क्रोशिया बना लिए। देखिए इस तरफ से अब यहाँ हम यहाँ एक चैन ही बनाएंगे। एक चैन बना के अब इधर आ जाएंगे। अब इसके ऊपर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जितने डबल क्रोशिया है इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बनेगा। अब यहाँ हमने दो चैन बनाया है, यहाँ पर दो बार सिंगल क्रोशिया बनेगा। ये हमने बनाया है, ये डबल क्रोशिया एक बार बनाया, तीन चैन बनाया, फिर एक डबल क्रोशिया। अब इसके अंदर हम पांच बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक दो तीन चार और पांच, पांच डबल क्रोशिया बना के एक चैन बन, एक चैन बनाएंगे और फिर यहाँ पे दो डबल क्रोशिया, दो सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ भी दो सिंगल क्रोशिया बना लेंगे।
अब इसके अंदर ये जो है हमने बनाया, इसके अंदर हम 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 5 सिंगल क्रोशिया, इसके अंदर 2 सिंगल क्रोशिया, अब ये डबल क्रोशिया है, इस सब के ऊपर ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये पूरे में सिंगल क्रोशिया बन गया। ये आए थे नीचे से बना के हमने, और ये सिंगल क्रोशिया बना के लेके गए, अब उस तरफ से आए तो हमें ये डिजाइन बनाया, और ऐसे हम ये लेके गए, ये वाला ये जो बनाए हैं ये वाला हमने यहाँ डबल क्रोशिया बना के गए, ये सिंगल क्रोशिया बना लिया 5-5। अब इसको 1, 2, 3 तीन चैन बना के अब हम यहाँ डबल क्रोशिया बना के जाएंगे। जो हम इसमें जब बनाते हैं ये पूरे लाइन में सिंगल क्रोशिया, तो ये डबल क्रोशिया के ऊपर भी सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब इधर से जा रहे हैं तो अब इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनेगा। अब ये डबल क्रोशिया बना लिया हमने, अब यहाँ से यहाँ फिर ये जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है उसके ऊपर ये वाला बनाएंगे डिजाइन यहाँ पे, 1, 2 दो बारी धागा खींचेंगे और इस एक साथ बंद कर देंगे और एक चैन बना लेंगे। अब ये दूसरे वाले में 1 और 2 दो बारी धागा खींचेंगे और बंद कर देंगे इसको यहीं, और एक चैन बना लेंगे। फिर ये तीसरे वाले में 1 और 2 इसको बंद करेंगे एक साथ, एक चैन बनाएंगे। अब ये चौथे वाले में 1 और 2 फिर एक साथ बंद कर देंगे, एक चैन बना लेंगे। अब ये फिर पांचवे वाले में 1 और 2 फिर बंद करेंगे एक साथ, ये है एक डबल क्रोशिया बनाया है हमने। यहाँ पर फिर से हम एक ही डबल क्रोशिया यहाँ इधर से आएंगे तो भी और इधर से आएंगे तो भी दोनों तरफ से आएंगे तो यहाँ एक एक डबल क्रोशिया ही बनता जाएगा, ये एक एक ही डबल क्रोशिया इसके बीच में बनता जाएगा। अब ये देखिए कि दूसरा डिजाइन तैयार हो गया आपका, इसी तरह यही रिपीट करना है आपको। फिर यहाँ से हम एक चैन बना के और फिर यहाँ हम ये जो सिंगल क्रोशिया बनाए हैं यहाँ यहाँ पर हमने फिर बनाना है यही धागा खींच के ऐसे 1, 2 फिर बंद कर देना है, एक चैन बना लेना है, फिर दूसरे वाले में बनाएंगे फिर एक चैन बना लेंगे, फिर तीसरे वाले में भी बनाएंगे, दो दो बड़ी धागा खींचना है सब में, एक एक चैन लेते जाना है,
देखिए यहाँ अभी डबल क्रोशिया बनेगा, जितना डबल क्रोशिया है इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनेगा। देखिए तो हमारा ये दो डिजाइन जो है हमने तैयार कर दिया है। अब आप किसी को भी समझ में आ जाएगा ये बनाने में कि हाँ किस तरह से ये बनेगा। और ये मैंने जो बड़ा बनाया है इसका, तो ये है कि आपकी पूरी डिजाइन बन के इस तरह से आएगा। और दोनों तरफ से ही, दोनों साइड से ही कहीं से भी यूज कर सकते हैं इसको। तो ये मेरा डिजाइन आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।